अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल पे आने के लिए खुश आमदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे चैनल पे आए, हमारे चैनल को विज़िट किया। नाज़रीन, आज हम टॉपिक लेके आए वीकनेस, कमज़ोरी। हर किस्म की कमज़ोरी के लिए हम आपको एक फल बताने जा रहे हैं जो जंती फल है, ग़ज़ा भी और शफा भी, जिसके बारे में मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐतलहा ये दिल को मज़बूत करता है, दिल को आराम पहुंचाता है, सांसों को खुशबूदार बनाता है और दिल को आराम पहुंचाता है और इसे सीने के बोझ को कम करता है। और नाज़रीन, हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बही की अफादियत के बारे में फ़रमाया कि सफ़रजल बही दिल की कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद है, ये मेदे को साफ, जहन को वसी और डरपोक को शुजात देता है। नाज़रीन, ये एक ऐसा फल है, ये शफा भी और ग़ज़ा भी, आप इसको इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि अल्लाह ने सिवाय मौत हर बीमारी को शफा के साथ ज़मीन पर उतारा है। वही जन्नत का फल है, ग़ज़ा भी है और शफा भी। तिब की दुनिया में दिल के अमराज और मुतलका मसाइल की पहली कुदरती दवा सफ़रजल कि इस्लाम में अहमियत तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने इसको सुन लिया है, आप इसको इस्तेमाल करें, ये हार्ट अटैक से भी बचाएगा, सीने से जो बोझ होता है उसको भी कम करेगा और दिल के दीगर अमराज के लिए जो दिल के आर्जे में मुबतला हैं वो इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह शफा होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाज़िर होंगे, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।